press the bell icon for all updates. ये जो भी हुआ, ये शायद अगर हम कैप्टन ना होते तो भी हम नॉमिनेट होते. जोड़ी है जो मतलब पूरे देश चर्चा उनके बारे में बात कर रही है, वो है जसलीन और अनूप जी की. क्योंकि हम लोग रह चुके हैं, हम लोग विटनेस हैं. ये ट्रू है एंड बहुत ही क्यूट है. सबसे पहले रोशनी, कह सकते हैं कि आपके यू नो नॉमिनेट होने का और घर से बाहर आने का सबसे बड़ा कारण है कृतिका केयर फ्री एटीट्यूड और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जी. क्योंकि विकास ने भी कहीं ना कहीं ये बात बोली थी कि आपको लेकर डूबेंगे, तो सच साबित हुआ. सच साबित हुआ बट इंटेंशनल नहीं था, तो मैं लेट गो करती हूँ क्योंकि वो मस्ती मस्ती में हुआ था. बट अनफॉर्चुनेटली हो गया, मैं बीच में आ गई कैसे भी. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ, ये शायद अगर हम कैप्टन ना होते तो भी हम नॉमिनेट होते, और एविक्शन में अगर यही सेम नॉमिनेशन होते तो हम फिर भी निकलते. क्योंकि फर्स्ट वीक में कुछ भी नहीं हुआ था, वी वर वेरी गुड. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करणवीर बोरा को हराया था और प्रूव करा था कि हम उनसे बेटर क्यों हैं, डिजर्विंग क्यों हैं इस घर में रहने के लिए. तब से ही उन्होंने नेक्स्ट डे नॉमिनेशन में डाल दिया था कि हम बहुत स्ट्रांग हैं. फिर जिस हिसाब से हमने कैप्टनसी टास्क खेला और जीता, वी वर द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द बिग बॉस हाउस, तो ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी. वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को ना गलतियों पर मुद्दे बनाए जा रहे थे. So, काफी obvious था, वो वेट ही कर रहे थे कि फर्स्ट में तो वीक में नॉमिनेट करने का रीजन नहीं मिला, तो स्ट्रॉन्ग है इसलिए कर दिए. अब तो हम वेट कर रहे कि आप कैप्टन हो, आप कुछ गलती करो बस मैं पक. और वीकेंड का बार में तुम अगर सोमी सभा को डेविल बनाते हो, पर जब नॉमिनेशंस की बात आती है और कृति और रोशनी को रखते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में सबसे पहले निकालना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरा केयर फ्री और इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है. हम आई एम अ वेरी प्लेफुल गर्ल, मैं बहुत ही एक लाइवली हूँ. मुझे लोगों ने झमाका नाम दिया है घर में, क्योंकि झमाका क्योंकि मैं धमाके मचाती रहती हूँ. आई एम लाइक द लाइफ ऑफ द पार्टी, वेरी चेयरफुल पर्सन. इस चीज में हम दोनों से मैं काफी बहुत मस्ती मजाक करने वाली है. हम ऊफट है एकदम बल की, तो बहुत मस्ती करते थे हम. बट वही है कि जो ऊपर चलता है उसको नीचे उतारने के लिए लोग कुछ भी बहाने मारते हैं या छोटे छोटे पॉइंट पर मुद्दे बनाए जाते हैं. कृति, आपकी बात करें कैप्टनसी के दौरान हमने देखा कि आप यू नो ऑर्डर करती नजर आई कि चाय शुगरफ्री स्पून दे दो. सभा पर आपको कुछ सभा से मैं ये बताना चाहूंगी, मेरे को एक्चुअली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं किसी को ऑर्डर करूं या मैं किसी के काम ना करूं. कैप्टन होने के बाद इन्होंने बहुत खाना बनाया, मैंने बहुत बनाया, जबकि मैं बस प्रिविलेज संग कुछ ना करें. मैंने बर्तन रात के 3-4 बजे तक इसने बर्तन धोए हैं. मैंने 17 लोगों का खाना अकेले बनाया है, चाय मैंने 2-2 बार बनाई है सबके लिए. ये एक मुद्दा था जो सुबह मेरा दिखाया गया कि मैं कैप्टन बनी, और कैप्टन बनते ही ना अगर मैं एक आपको बोल दूँ ना या चम्मच पास करियो, और अगले दिन मैं कैप्टन बन जाती हूँ, मेरा सेम टोन है या चम्मच पास करियो, तो लोगों को लगता है अच्छा अथॉरिटी. और मेरे ख्याल से अगर कोई खाना खा रहा है ना, वो मुझसे बोलेगा कि यार एक चम्मच पास कर दे, चीनी पास कर दे, मैं यार खड़े पैर कर दूंगी, इट्स ओके. मेरी मम्मी भी खाना खा रही होगी, मेरी बहन भी खा रही होगी, तो कोई भी दे देगा कि खाने वाले को क्यों उठाना. हमारे घर में ये होता है. मैंने वैसे ही सभा खाने पहले तो मुझसे लड़के किचन सेक्शन लिया. कम से कम 18 घंटे हो गए थे, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था. एंड शी जस्ट, मैंने उससे एक चीज़ मांगी और वो एकदम से उसने 4 बातें सुना दी, महारानी समझ रहे हो, खुद कुछ कर लो एंड ऑल दैट, जो मुझे बुरा लगा. मैं मेरा एक्चुअली में दिल तक खाना छोड़ दूँ, बट मैं खाने का अनादर नहीं करती, तो मैंने बस उसको जवाब दिया. बट समुद्री लुटेरे टास्क में देखा जाए तो आप लोगों को संचालक का किरदार दिखा था, लेकिन आप पार्शल दिखे. मतलब देखने में जैसा बाहर आया, ऑडियंस और सब फैंस भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए कि आप लोग जोड़ियों की तरफ आप लोगों का मतलब पार्शली दिखा कि आप उन लोगों को सपोर्ट करती दिखे और सिंगल्स को आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया. नहीं, अगर ये होता, अगर हम फेयर नहीं होते तो डेफिनेटली 2-2 स्कोर नहीं होता, क्योंकि संचालक के हाथ में सब कुछ है. हम 3-1 कर सकते हैं. हम इसको बता देते हैं एकदम शॉर्ट में कि लुटेरों जो लुटेरे थे उनका काम था टॉर्चर करना, जो कैदी थी उनका काम था टॉर्चर सहना, जो संचालक थे उनका काम था फेयर डिसीजन लेना, बिना कोई पक्ष लिए प्री कंसीव नोशन बनाए अपने जजमेंट को आगे रखना. तो अगर लुटेरे अपने काम कर रहे और कैदी अपने काम कर रहे, तो हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते एज अ संचालक कि हम अनफेयर डिसीजन ले जिसकी वजह से हम कोई सजा के पात्र बने. हम लोग को अनफेयर कोई भी मोमेंट में या पॉइंट में नहीं होना था, वी वर टोटली फेयर. हाँ, बट शिव का ही इंसिडेंट शायद बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था, जो बहुत सुनने में आया. बट आई वुड लाइक टू क्लियर इट कि
पहले दिन शिव लोग टॉर्चर कर रहे थे एंड सिंगल्स लोग सह रहे थे, तो उस वक्त भी एक दो बार मिस्टेकनली ऐसा हो गया कि जिससे पानी फेंक रहे थे वो गलती से लग गया, तो तभी गला फाड़ फाड़ के मैंने चिल्ला के कहा था कि जिस भी चीज़ से पानी फेंको उसको याद से दूर रखो बॉडी से, कि फिजिकली वो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिग बॉस के घर का रूल था, वो सिर्फ टास्क का रूल नहीं है, फिजिकल अब्यूसिव होना उस घर में अलाउड है ही नहीं एज घर का नियम। तो सेकेंड डे वापस से सेम चीज दोहराना मेरे को लॉजिकल और सेंसिबल नहीं लगा। मैंने फिर भी दोहराया बहुत बार, हाँ हम लोग फिर भी दोहरा रहे थे, आईज में नहीं डलना चाहिए, तो भी वो सेकंड टाइम उनको लग गया, उनका पूरा फोरहेड पिंक हो गया था, यहाँ पे नेल्स मैंने शो करा है वहाँ पे बकायदा, मैंने देखा उनका माथा जो था वो पूरे नाखूनों से भरा हुआ था, उनको पहले भी एक बार लग चुका था जिसमें नेहा ने उसी टाइम सॉरी भी बोला था, एंड अगली बार मेरे सामने बिल्कुल कटैक करके आवाज आई, एंड नहीं भी होता ना तो भी वो फिजिकल अब्यूसिव का केस था, उसमें मैंने आवाज उठाई, और क्योंकि अगर मेरे को अनफेयर होना होता तो मैं सोमी जिससे लड़ी मैं उस टाइम नहीं लड़ती, मैं उस टाइम भी दीपिका से लड़ रही थी, जसलीन ने प्रूव कर दिया कि हाँ दीपिका गलत खेल रही है, समझाना क्यों पड़ेगा, वो तो जस्टिफाइड है, समझना चाहिए कि ये गलती उन लोगों से हुआ है, हम लोग नहीं करेंगे। आप लोगों के अकॉर्डिंगली सिंगल्स में और डबल्स में फाइनल्स तक कौन दिखने वाला है? जोड़ीज में ही कोई ना कोई होगा, एंड आई थिंक दीपक और शिवाशीष के बीच कोई, और सिंगल्स में कौन आपको लगता है कि रेस में आगे तक जाए? सिंगल्स का बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत क्लोज बुक टाइप्स खेल रहे हैं, दे आर वेरी आई डोंट नो दे आर वेरी प्रोबेबली दे आर वेरी रिलैक्स इन द बैक ऑफ देयर माइंड, तो अभी तो कोई भी नहीं आया है, इतना ही फैंस लोग बचा लेंगे, बट उनका फैन बेस इतना है, लाइक श्री हैज अ गॉट अ ग्रेट फैन बेस, और बाकी जो जितने भी जबकि कंपेयर टू हिम हम लोगों को अंदर रहना चाहिए, उनको शायद बाकी क्योंकि वो गिव अप करते थे, उनको जाना था, वो टास्क में नहीं थे, घर के काम में नहीं थे, वो आधा टाइम तबीयत खराब, इमोशनली सिक हो जाते, कभी फिजिकली सिक हो जाते, उनको जाना भी नहीं, शो जीतना इम्पोर्टेंट है। एक जोड़ी है जो मतलब पूरे देश चर्चा उनके बारे में बात कर रही है, वो है जसलीन और अनूप जी की, जो आप लोग भी क्या रहा है, आप घर में रहकर आ रहे हैं उनके साथ, क्या जोड़ी लवी डवी जोड़ी है, टेडी बियर जैसे हैं अनूप जी, लवी डवी, हां अमेजिंग जोड़ी, नाइस वेरी गुड जोड़ी, बट हां बहुत डिफरेंट यूनिक लव स्टोरी है उनकी, नॉर्मल आम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशन की तरह नहीं है, इसीलिए शायद घर के अंदर भी बहुत जन को लग रहा था, पर क्योंकि हम लोग रह चुके हम लोग विटनेस हैं, ये ट्रू है एंड बहुत ही क्यूट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।